मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टेस्टिस मौजूद होते हैं जहाँ स्पाम्स बनते हैं मेल्स लाखों की तादाद में स्पाम्स प्रोड्यूस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो ओवरीज मौजूद होती हैं जहाँ इम मेच्योर एग्स मौजूद होते हैं फीमेल्स के अंदर हर मंथ एक रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं यह साइकिल तकरीबन अट्ठाईस दिनों का होता है इस साइकिल के मिड में फीमेल की किसी भी एक ओवरी से एक मच्योर एग रिलीज होता है यानी एक ओवम रिलीज़ होता है फिर ये एग ओवरिज से फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर आता है इस अमल को ओव्यूलेशन कहते हैं याद रखिएगा ओव्यूलेशन के बाद ये एग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर तकरीबन 24 घंटे तक रहता है यानी एक दिन तक ओव्यूलेशन के बाद ये एग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर रहता है सेक्शुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल्स तकरीबन तीन सौ मिलियस फीमेल की वजाइना में रिलीज़ करता है वेजाइना के पीएच लो यानी एसिडिक होने की वजह से बहुत सारे स्पर्म्स वेजाइना के अंदर मर जाते हैं बचने वाले स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आगे हरकत करते हुए फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर आते हैं कुछ स्पर्म्स राइट साइड वाली फ्लोपियन ट्यूब की तरफ चले जाते हैं और कुछ स्पर्म्स लेफ्ट साइड वाली फ्लोपियन ट्यूब की तरफ चले जाते हैं याद रखिएगा ये स्पर्म्स तकरीबन पाँच दिनों तक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ज़िंदा रह सकते हैं पाँच दिनों के बाद इन स्पर्म्स की डेथ हो जाती है इसके बाद जब स्पाम्स फ्लोपियन ट्यूब की तरफ आगे हरकत करते हैं तो अगर स्पाम्स को फ्लोपियन ट्यूब के अंदर एग मिल जाए तो उन स्पाम्स में से कोई एक स्पाम उस एग के साथ फ्यूज़ करता है और जाइगोट बनता है ये जाइगोट एक ही सेल होता है जो कि डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाता है फिर ये एम्ब्रियो यूट्रस की तरफ हरकत करता हुआ आता है और यूट्रस की इनर लाइनिंग के अंदर इम्प्लांट हो जाता है यानी यूट्रस की इनर लाइनिंग के साथ जुड़ जाता है और अगले नौ महीने ये एम्प्रियो यूट्रस से ही खुराक लेता है और ग्रो करता है